फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आज बरोज पीर 30 मई दोपहर 12 बजे तंजीम आइम्मा मसाजिद अहले सुन्नत का वफद मालेगांव शहर सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचा। गुज़िश्ता दिनों टाइम्स नाउ टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान नई दिल्ली की नौपुर शर्मा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और बहुत ही जारहाना अंदाज में नाज़िबा कलमात कहे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची और खास तौर पर मालेगांव के मुसलमान इस बात को लेकर शदीद गुस्से में है। वफद की जानिब से हाफिज मोहम्मद गुफरान अशरफी ने सिटी हद्दी के पीआई से बातचीत करते हुए उन्हें हालात की संगीनी से आगाह किया और कहा कि मुसलमान अपने नबी की अदना सी भी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए इस गुस्ताख मलूना को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और हिंदुस्तानी कानून के बमौजिब किसी मजहब या किसी मजहब के कायद पर कोई इस तरह की बातें करता है तो इसके खिलाफ कानून में जो सज़ा है इसके तहत इसको गिरफ्तार करके सज़ा दी जाए ताकि लोग इस तरह की जलील हरकत करने से बाज आ जाएं। तमाम बातों को सुनने के बाद अरीजा लेते हुए सिटी पीआई ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि दो दिन में मामले की तहकीक करके केस दर्ज कर लिया जाएगा। तंजीम की जानिब से कहा गया कि अगर दो दिन में हमारा ये मुतालबा पूरा ना हुआ तो फिर तंजीम के अराकी आला अफिसरान तक पहुँच कर इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। आज हम तंजीम अइम्मा मसाजिद अहले सुन्नत की जानिब से मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन में दो रोज पहले नवी दिल्ली से नौपुर शर्मा ने टाइम्स नौ टीवी चैनल पर बैठकर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो नाज़ेबा कलमात कहे और जो अश्लील शब्द उसने इस्तेमाल किए उसके ख़िलाफ़ में हम लोग यहाँ पर अर्जी दाखिल करने के लिए आए थे। पीआई यहाँ के जो सिटी पुलिस स्टेशन के हैं उनके पास हमने अर्जी दाखिल की और हमने उनसे ये निवेदन किया कि आप हमारी बात पर तवज्जो से जो है संजीदगी से गौर करें और हमने जो अर्जी दी है उसको आप संजीदगी से लेते हुए जो कानून किसी मजहब या धर्म गुरु पर टिप्पणी करने के बाद जो सज़ा होती है वो उस नौपुर शर्मा जिसने हमारे नबी पर गुस्ताखी के कलमात कहे हैं उस पर जो है केस दर्ज किया जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और हम पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ कहीं भी लोग हैं उन लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि कानून के दायरे में रहते हुए उसके ऊपर केस दर्ज करने की कोशिश करें। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने नबी पर ज़रा सी भी अगर कोई गुस्ताखी करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों का दिल उस दिल्ली की नौपुर शर्मा ने दुखाया है, इसलिए आज मुसलमान जो हिंदुस्तान के करोड़ों उनका दिल दुखा है और गम गुस्से में है। हम इंतज़ामिया से भी गुजारिश करते हैं कि मालेगांव के जो अइम्मा हैं उनकी बात को संजीदगी से लेते हुए वो उस पर केस दर्ज करने की कोशिश करें और हमने यहाँ पर अर्जी दाखिल की है। दो दिन का वक्त लिया गया है, हम लोग दो दिन के बाद फिर आएंगे और आकर उस पर जो है क्या कार्रवाई हुई है उससे मुतालिक मालूमात लेंगे। आप सब से भी गुजारिश है कि आप सब भी कानून के दायरे में रहते हुए केस दर्ज करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।